गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम सेक्शन 4 कर रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें हम अपने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक है ब्लेसियस थ्योरम। ठीक है, ब्लेसियस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी बार ये 12 मार्क्स में भी देखा गया है क्वेश्चन, यानी कि आपका इससे कंप्लीट क्वेश्चन इसी से ही बन जाता है अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर्स देखे हो, वरना 6 मार्क्स में तो ये बहुत बार आपको दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप 5 ईयर पेपर्स देखेंगे अपने तो 4 ईयर्स में आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, ये नेमिंग थ्योरम है तो इसकी स्टेटमेंट प्लस प्रूफ आपको दोनों ही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एमडीयू के अंदर, स्टेट एंड प्रूफ ब्लेसियस थ्योरम। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से समझनी है और उसके बाद उसका प्रूफ भी। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, इन अ स्टडी 2D इरोटेशनल फ्लो। देखिए, इरोटेशनल फ्लो मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर ही बता दिया था क्या होता है, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो के बारे में। 2D है यानी कि 2 डायमेंशन में है, गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, अब आप लास्ट टॉपिक कर रहे हैं तो आपको अच्छे से नॉलेज है कि क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए। W=FZ से हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ W से, जहाँ पर इसकी वैल्यू एक और भी हम लेते हैं फाइ प्लस आयोटा साई, जहाँ पर फाई हम बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल को और साई हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन को। ठीक है, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आते थे जिसमें W दिया होता था और हमें स्ट्रीम फंक्शन निकालना रहता था, और वो हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स अपने किए हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर वो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इफ़ द प्रेशर फोर्सेज ऑन द फिक्स सिलेंड्रिकल सरफेस सी आर रिप्रेजेंटेड बाई अ फोर्स, प्रेशर फोर्सेज जिससे हमें रिप्रेजेंट करनी है, यानी कि फोर्स के हमारे पास कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, इस बार एक्स वाई, हमारे पास फोर्स के देखिए कॉम्पोनेंट्स क्या हैं एक्स एंड वाई, एंड अ कपल ऑफ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट्स, देन नेग्लेक्टिंग द एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज को निगलेक्ट करने के बाद आपको शो क्या करके दिखाना है, ये एक सेकेंड के लिए मैं कैंसिल कर देती हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ होंगे इसमें। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, एक्स माइनस आयोटा वाई, जहाँ पर एक्स और वाई क्या हैं, फोर्स के मेरे पास कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या है मेरे पास फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं, इज इक्वल टू आयोटा रो, ये हमारे पास डेंसिटी है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड, जहाँ पे W क्या था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, और M को हमें क्या दिखाना है, किसके इक्वल दिखाना है, रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाई टू। आपको ये थ्योरम एंड तक जाके, इस वीडियो को आप अगर एंड तक बहुत ध्यान से देखेंगे तो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, और प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात तो पता लग गई कि हमें इन दो रिजल्ट्स तक पहुँचना है एंड में। ठीक है, इन दो रिजल्ट्स तक पहुँचने का क्या मतलब है, सबसे पहले देखिए हम कुछ फोर्स के कॉम्पोनेंट का यूज़ करके इस रिजल्ट को प्रूव करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद हम इस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास लेट ds बी एन एलिमेंट ऑफ आर्क, ये देखिए ये क्या है हमारे पास ds, ये एक आर्क है, सॉरी यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, ये जो आर्क है इसको हम बोल रहे हैं ds। ठीक है, एट ए पॉइंट p, ये वाला जो हमने पॉइंट है ये p ले लिया। ठीक है, जैसे जैसे हमने लिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिगर के अंदर प्लॉट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एंड अ टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल थीटा, ये जो पी के ऊपर ये जो टेंजेंट गया, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने थीटा का नाम दिया, द प्रेशर एट पी, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इस पी पॉइंट पर हमारे पास क्या है, पी डी एस। देखिए P जो है हमारे पास प्रेशर, हमने पर यूनिट लेंथ का लिया है, तो पूरे के पूरे इस ds एरिए पर हम अगर प्रेशर निकालें तो क्या आएगा, P इंटू ds। ठीक है, देखिए आपके पास ये जो PDS है, ये PDS किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए PDS जो प्रेशर है वो एक्ट अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल। ठीक है,
ये टेंजेंट था। अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्या है यहाँ पर? इनवर्ड नॉर्मल, यानी कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी? इस तरफ, ठीक है। टू द सिलेंड्रिकल सरफेस एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर। तो इस प्रेशर के देखिए कॉम्पोनेंट्स क्या आएंगे? अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये है ऑरिजिन। देखिए एक्स डायरेक्शन, ये तो है हमारे पास पी डी एस, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन तो क्या होगी? इनवर्ड, और इसकी अपवर्ड, ठीक है। माय ट्रायंगल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, सबसे पहले हम ये एंगल निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल है, यानी कि ये इसके इस तरफ वाला भी 90 और इस तरफ वाला भी 90, ठीक है। और बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये ऊपर वाला हमारे पास थीटा है, ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। ये यहाँ से ये थीटा एंगल प्लस इसके साथ वाला ये 90 आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये जो हमारे पास पी डी एस है ये इनवर्ड नॉर्मल है, तो ये सारा 90 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर वाला एंगल हमारे पास क्या बच गया? अगर मैं इसको एंगल वन का नाम दूँ तो ये बच गया मेरे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस ये वाला 90 है, ठीक है। एक इसमें मैंने 90 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180। तीसरे वाले को मैंने x ले लिया, इस वाले को जो मुझे निकालना है, इक्वल टू मैंने कर दिया 180, तो ये तो कैंसिल, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? थीटा। समझ आया आपके पास कि थीटा कैसे आई ये वैल्यू? तो ये जो एंगल मुझे निकालना है ये थीटा है। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे पास कॉम्पोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या आएगा? पी डी एस कॉस 90 प्लस थीटा। ये सभी बातें आपने स्टैटिक के अंदर कर रखी हैं, थर्ड सेमेस्टर के अंदर कॉम्पोनेंट्स निकालने, ठीक है। यहाँ पर आएगा कोस 90 प्लस थीटा और ये पी डी एस कॉस थीटा, यानी कि आप एक तरीके से क्या कह सकते हैं, कोस 90 प्लस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। सेकंड पी डी एस कॉस थीटा, ये वाला अलोंग मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, और ये सॉरी वाई एक्सिस, और ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो थी इसके कंपोनेंट्स की बात। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कुछ प्रेशर के कंपोनेंट, देखिए फोर्स के कंपोनेंट्स के अंदर वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स और वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स के हमारे पास कंपोनेंट किस तरीके से हैं। देखिए मुझे पता है मेरे पास फोर्स के कंपोनेंट्स एक्स वाई है, तो मेरे पास डी एफ क्या आ जाएगा? चेंज इन एफ इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है। अब देखिए आप एक बार ध्यान से, अगर मैं इस फिगर के अंदर जो मैंने ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर मैं इसको एक बार अलग से दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से एंगल क्लियर हो जाए, तो देखिए क्या आएगा आपके पास? ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखिए यही मैंने एज इट इज़ वहाँ पर दिखाई है। ये देखिए ये चेंज इन एक्स था और ये चेंज इन वाई था, क्योंकि देखिए मैंने इस ट्रायंगल को बिल्कुल ही मूव कर दिया, उस टाइम पे थीटा इस तरीके से था, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप दिखाएंगे तो आपके पास ये वाला चेंज इन वाई बन जाएगा और ये चेंज इन एक्स, ठीक है। अब देखिए आपको एक और बात भी पता है, जब आपने कंपोनेंट्स निकाले, जब आपने कंपोनेंट्स निकाले हैं तो आपने देखा था कि चेंज इन एक्स कितना था मेरे पास? नेगेटिव ऑफ पी डी एस साइन थीटा। तो जस्ट आपको एज इट इज़ यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। माइनस ऑफ पी डी एस साइन थीटा, देखिए चेंज इन वाई कितना था? पी डी एस कॉस थीटा, वही की वही वैल्यू आपको यहाँ पर एज इट इज सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। इतना काम आपने किया। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आयोटा पी अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो देखिए डी एस भी कॉमन ले लीजिए एक तरीके से, आयोटा पी इस तरफ से कॉमन लिया तो कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आयोटा है नहीं, तो माइनस को मैंने रिप्लेस कर दिया आयोटा स्क्वायर से, तो साइन क्या आ जाएगा? प्लस का, और एक आयोटा भी बच जाएगा अंदर, साइन थीटा, ठीक है। अब ये मैंने, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे या आपने नंबर थ्योरी अच्छे से की हो, तो उसमें मैंने आपको ये रिजल्ट बता रखा है, ये ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अभी आपको उसका यूज़ नहीं करना, उसका भी यूज़ बाद में आएगा। अभी देखिए आपको क्या दिखाना है यहाँ पर,
यहाँ पर मैंने देखे नेगेटिव ऑफ पी डी एस साइन थीटा, एक तो आपको ये बता दिया कि कहाँ से आई ये वैल्यू, जब मैंने कॉम्पोनेंट निकाले थे तभी ही बता दिया था आपको, ठीक है। और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो मेरे पास पी डी एस साइन थीटा जो कॉम्पोनेंट है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस था, अगर आपने ध्यान से देखा हो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए कैसे, मैं आपको एक बार फिगर दिखाती हूँ, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अंदर की साइड थी, ठीक है, जबकि एक्स जो है इंक्रीजिंग राइट साइड में होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में था। तो ये जो पी डी एस साइन थीटा मेरे पास वैल्यू हुई है नेगेटिव एक्स एक्सिस के, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पे निकालूं तो नेगेटिव आगे लग जाएगा, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, ठीक है, आप लिखेंगे तब भी चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फिगर हमने यूज़ यहाँ बनाई, आप कहेंगे हमने तो इसका यूज़ ही नहीं किया तो बनाई कैसे, अब उसका यूज़ आएगा। देखिए आयोटा पी एज इट इज, कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, बी बाय एच, व्हाट इज बी हेयर, बेस क्या है, पी डी एक्स, पी डी एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज पी डी एस प्लस आयोटा, साइन थीटा इज व्हाट, पी बाय एच, पी डी वाई अपॉन में पी डी एस इंटू में डीएस, ये डीएस बाहर है, ठीक है। अब ये पी से ये पी कैंसिल, ये पी से ये पी कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा, आयोटा पी अंदर आ जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, और ये डीएस यहाँ पर इंटू में और यहाँ पर अपॉन में, आप एलसीएम लेंगे एक तरीके से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं आपने कोस थीटा की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की और साइन थीटा की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की, अदरवाइज आप लिख सकते हैं फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आपको मैं अगर एक और बात बताऊं, यहाँ पर देखिए आपके पास, आपको पता है आप कॉम्प्लेक्स में क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में आप लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई ये आएगा, यही वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। देखिए राइट हैंड साइड डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई यहाँ पर है, आप इसको क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आयोटा पी डी जेड, ठीक है, आयोटा पी डी जेड से आपने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए आपने बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है सेक्शन 2 के अंदर, बर्नौली इक्वेशन का वहाँ पर पूरा प्रूफ था, जबकि हमें यहाँ पर सिर्फ उसका रिजल्ट यूज़ करना है, डेट इज़ बर्नौली इक्वेशन हमें यूज़ करनी है सिर्फ। देखिए वहाँ से आपने क्या प्रूफ किया था, देखिए आपको सिर्फ 5 मिनट और फोकस के साथ देखना है, फिर आपको हर एक बात क्लियर होगी कि किस चीज़ की वैल्यू हम किस लिए निकाल रहे हैं, उसका आगे कहाँ पर यूज था, तब आपको पता लगेगा कि हाँ इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी क्योंकि हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना था, ठीक है। अभी आपको शायद यहाँ तक का यूँ लग रहा हो कि हम ये वैल्यूज निकाल ही क्यों रहे हैं, तो अभी उसका आपको एंड से पहले पहले आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रेशर इक्वेशन का जो रिजल्ट था वो था P अपॉन में रो, वेयर रो इज डेंसिटी प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर, वेयर Q इज वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट है तो हम इसको क्या कोई भी K नाम दे सकते हैं, कॉन्स्टेंट है तो कोई भी नाम K दे सकते हैं। यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए P माइनस, पहले तो मैं इस रो को LCM लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखिए K रो माइनस हाफ ऑफ रो Q स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। LCM लेना तो आपको आता ही है, बहुत इजीली आप LCM ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आपने LCM लिया तो आपके पास क्या आ गया, K रो माइनस हाफ ऑफ रो क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक और बात छोटी सी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अभी तक देखिए जो भी मैं वैल्यूज निकाल रही हूँ जैसे इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकाली, अभी आपको पता लगेगा कि आखिर क्यों हम ये वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो एक बार आप पेशेंस के साथ साथ देखते जाइए। अब इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे दूँ, आपने किन किन वैल्यूज़ को निकालना है जो जो आपके प्रूफ के अंदर यूज़ हो रही हैं। देखिए एक्स माइनस आयोटा वाई, आई रो ऑफ आयोटा रो वाई टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू यहाँ पर मैं निकालूँ डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो देखिए मेरे पास dw by dz की वैल्यू क्या आएगी,
कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसमें आप रिजल्ट चेक कर लीजिए। वहाँ मैंने आपको पूरा प्रूफ भी दिया हुआ है कि dW/dz की वैल्यू मेरे पास आती है -u + iota v। ठीक है, u की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -q cos थीटा। देखिए u की वैल्यू आप q cos थीटा और v की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं, q sin थीटा। ये चीज़ हम इस सेक्शन के अंदर काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, अब की बार हम फर्स्ट टाइम नहीं यूज़ करें, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि ये हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से आई। अब बहुत सिंपल सा काम है, माइनस क्यू लीजिए कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, cos थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू बन गई, -q e^-iota θ। ये इसकी वैल्यू निकालना नंबर थ्योरी का रिजल्ट भी, और मैंने इसी लेक्चर के अंदर, इसी सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे आपको रिपीट करती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास एक जो अभी वैल्यू थी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी ऊपर, dz को आपने यहाँ रिप्लेस किया था, देखिए dx + iota dy को आपने dz के साथ रिप्लेस किया था, है ना। तो वही देखिए, अब आप यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, dz की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी dx + iota dy। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, dx/dS + iota dy/dS। देखिए पहले जो मैंने स्टेप्स किए, अब मैं बैक स्टेप्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। dx/dS, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx/dS, base upon hypotenuse cos θ + iota sin θ dS। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये वैल्यू आपके पास किसकी है, e^iota θ dS की। ठीक है, e^iota θ dS की वैल्यू आ गई है आपके पास। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको फाइनल रिजल्ट की ओर मैं लेके जा रही हूँ ताकि आपका प्रूफ इजीली हो जाए। देखिए यहाँ पर आपके पास f के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से, x और y, तो x + iota y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है आपको, देखिए आप इक्वेशन 1 को जो आपने निकाली थी, यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन 1 निकाल रखी है, देखिए ये df की वैल्यू मेरे पास आई थी, यहाँ पर df की वैल्यू देखिए मेरे पास क्या आई थी, iota p dz। इसी वैल्यू का यूज़ करके देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दीजिए, f की वैल्यू x + iota y थी, और इक्वल टू में मैं वो वैल्यू लिख रही हूँ जो यहाँ से आएगी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज कर्व iota p dz। ठीक है, df का इंटीग्रेशन f, इसका डायरेक्टली आपने इंटीग्रेशन लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू भी है और dz की वैल्यू भी, या फिर आप डायरेक्टली पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वैल्यू निकालते हैं। अब आपको क्या है, ऑलरेडी सभी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो जो आपको चाहिए आप देखेंगे, आपने सारी वैल्यूज़ तो ऑलरेडी निकाल रखी है। देखिए p की हमने वैल्यू निकाली थी बर्नौली इक्वेशन से, p की वैल्यू मैंने निकाली थी k rho minus half of rho q square। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने dz की वैल्यू क्या निकाली थी, dz की वैल्यू हमने अभी निकाली है e^iota θ dS। ठीक है, अब पता लग रहा है ना आपको, dz की वैल्यू हमने इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पर यूज़ आया। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें यूज़ करनी थी। अब आपके पास dW/dz का भी यूज़ आएगा, ये तो आप देख ही सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, और इस वैल्यू का भी हमने कहीं ना कहीं यूज़ किया, तो सभी वैल्यूज़ जो हमने निकाली उनका आगे यूज़ था, इसीलिए हमने वो निकाली, कोई भी वैल्यू आपने बिना किसी यूज़ के नहीं निकाली। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो मैंने अलग कर सकती हूँ। देखिए आयोटा भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, रो भी कॉन्स्टेंट है, e^iota θ। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व, मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व जब मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ उसका, तो 0 आ जाता है क्योंकि एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास सेम होता है। नेक्स्ट वाले का देखिए, नेक्स्ट वाले के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर
बाय टू। देखिए आयोटा भी बाहर आ जाएगा, आयोटा बाहर आया, रो बाहर आया, अपॉन में टू बाहर आया, अंदर आपके पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व क्यू स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा डीएस। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने वैल्यू निकाली है तो एफ की निकाली, यानी कि आपने एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आपने निकाल दी ये सारी। ठीक है, अब मुझे देखिए जो प्रूफ करना है, प्रूफ के अंदर आप देखेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई है। ठीक है, तो बोथ साइड्स कॉन्जुकेट ले लीजिए या फिर डायरेक्टली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, कहने का दोनों में मतलब एक ही है। यहाँ पर बन जाएगा माइनस आयोटा, यानी कि हमें जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड तक हम फाइनली पहुँच गए हैं। माइनस आयोटा को आयोटा से रिप्लेस, अपॉन में टू रो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व क्यू स्क्वायर ई की पावर आपके पास आ जाएगा आपकी बार माइनस आयोटा थीटा डी एस। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आयोटा रो बाई टू एज इट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व। देखिए इसी के अंदर मैं ई की पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 2 की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा थीटा ये लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास अगेन क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट में कुछ पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड होगी e की पावर माइनस टू आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा डेट इज e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। ये मैंने क्यों लिखा, आप साफ देख सकते हैं जब मैंने डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू निकाली तो मेरे पास आई हुई है माइनस क्यू ई की पावर आयोटा थीटा, और मुझे राइट हैंड साइड में डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इसका राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर बनाना था, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब देखिए आयोटा रो बाई टू एज इट इज़ इसको मैंने रिप्लेस कर दिया डी डब्ल्यू बाई डी जेड के होल स्क्वायर से ई की पावर आयोटा थीटा डी एस एज इट इज़। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं, जो आपको प्रूव करना था वो आपका आ गया और फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पर एज इट इज़ सॉल्व। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपको माइंड में ये रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, और जहाँ से आपके पास एफ के कंपोनेंट दिए हुए हैं एक्स और वाई वहीं से आपको बस स्टार्ट कर देना है। बहुत अच्छे से आपने देखिए माइंड के अंदर एक दो स्टेप्स रखने कि आपको आगे डी एफ की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, आपको डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, वरना आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये राइट हैंड साइड में दिख जाएगा ना कि आपको इन इन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है तब आप निकालेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाले जो वैल्यूज है ये आप बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले निकालेंगे तो बेटर रहेगा ताकि एक एक्सप्रेशन अच्छा जाए एग्जामिनर के आगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट यहीं तक था, अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब आपको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है एम को रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाई टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज कर्व जेड डी जेड डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर इंटू में डी जेड, इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए अगर आपको अभी तक की थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट नहीं आया है तो आई होप आपको आगे की थ्योरम भी ईजिली समझ में आ जाएगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता है कि मूवमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, द मूवमेंट एम इज़ गिवन बाय ठीक है, एम क्लोज्ड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व आर क्रॉस डी एफ। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्लास 12 से ही आपको आते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो के अंदर आई जे के, देन आर के कॉम्पोनेंट्स, आर के कॉम्पोनेंट्स आर एक्स वाई जीरो, डी एफ के कॉम्पोनेंट्स आपको पता है क्या आएंगे, डी एफ के कॉम्पोनेंट्स आएंगे नेगेटिव पी डी एस साइन थीटा पी डी एस कोस थीटा। ये कॉम्पोनेंट्स आप जहाँ हमने थ्योरम स्टार्ट की थी वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ हमने ये कॉम्पोनेंट्स निकाले थे। ठीक है, अब आपको एक्सपेंड करना है जहाँ से आपको बिल्कुल ईजी हो जाए, यानी कि इस कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई पी एक्स डी एस कॉस थीटा प्लस पी वाई डी एस साइन थीटा। ठीक है, इजीली आप सॉल्व करना आपको आता है, ये आपने बहुत पहले से सीख रखा है। देखिए अब इसके बाद आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, देखिए कोस थीटा की वैल्यू आपके पास बेस अपॉन एच डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है, तो आप इसको क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, dx अपॉन में ds।
ds यहाँ पर भी है, ds यहाँ पर भी, आप इसको बाहर ले जाइएगा, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा पी डी वाई साइन थीटा इज डी वाई अपॉन डी एस, और ये डी एस हमने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, देखो इस इंटीग्रेशन को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आई। हम आप m की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व, इसकी वैल्यू आप ये पुट कर सकते हैं, p कॉमन ले लिया आपने, x dx अपॉन ds प्लस y dy अपॉन ds ds। ठीक है, अब आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व पी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, और देखिए p की आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, p की आपने वैल्यू प्रेशर इक्वेशन से निकाल रखी है। देखिए यहाँ पर जब हमने वैल्यू निकाली थी तो k इंटू रो लिखा था, जबकि k भी कॉन्स्टेंट है और रो भी कॉन्स्टेंट, तो आप इसको सिर्फ k भी लिख सकते हैं और k इंटू रो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको k लिख लीजिएगा। वैल्यू पुट कीजिए k माइनस में आपने क्या वैल्यू पुट करी, हाफ ऑफ रो क्यू स्क्वायर इंटू में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एज इट इज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है बस, k एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस में हाफ ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व रो क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व के हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, आपके पास अगेन यही आएगा, ये बाद वाली टर्म जो है रो बाय टू, रो मैं बाहर ले क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट ही था, क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये मैं बाहर लेके आ सकती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था किसी भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व हमेशा जीरो आ जाता है, तो आपके पास बचा क्या, माइनस रो बाय टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, हेयर फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब देखिए माइनस रो बाय टू तो एज इट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, x में एक बार के लिए एज इट इज़ लिख रही हूँ, dx की वैल्यू आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, देखिए dx अपॉन डी एस था आपके पास cos थीटा, डी वाई अपॉन डी एस था आपके पास sin थीटा। ठीक है, फ्रॉम फिगर आपने ये वैल्यूज निकाली थी, आप प्रीवियस पेज पर जाकर देख सकते हैं, dx की वैल्यू आपके पास आ गई cos थीटा ds, ये dx में ds इकट्ठा लिख दूंगी, dy की वैल्यू क्या आ गई sin थीटा, कॉमन दोनों का ds। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत क्रूशियल स्टेप है इस पूरी थ्योरम के अंदर, जो आप एग्जाम के अंदर काफ़ी बार भूल जाते हैं, देखिए रियल पार्ट ऑफ, अगर मैं एक बार के लिए देखूँ रियल पार्ट ऑफ, आप बताइए मैंने क्या इस स्टेप में कुछ गलत लिखा है, बस आपको इस स्टेप के अंदर ये छोटा सा जो मैं कर रही हूँ काम, इसको याद रखना है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देखिए मैंने x cos थीटा प्लस y साइन थीटा को ये लिख दिया x प्लस आयोटा y cos माइनस आयोटा साइन थीटा का रियल पार्ट। देखिए रियल क्वांटिटी कहाँ कहाँ से आएगी, एक तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों ही रियल है, और एक इमेजनरी की इमेजनरी से मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा x cos थीटा और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आएगा y साइन थीटा, वही है मेरे पास, तो यानी कि रियल ऑफ दिस। अब मैंने इसमें क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों की तो मेरे पास वैल्यू है, डैट इज रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाय टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व क्यू स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है आपके पास जेड। ठीक है, कोस थीटा माइनस आयोटा थीटा इज व्हाट, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डी एस, इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम था, इसीलिए आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगेन यहाँ पर वही स्टेप कर दूँ, इसको माइनस टू आयोटा थीटा करके आयोटा थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ, देखिए दोबारा से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आपको करना नेक्स्ट स्टेप में, मैंने आपको इस स्टेप के अंदर बता दिया कि अगेन देखिए इनको सॉल्व करके आएगा वही e की पावर माइनस आयोटा थीटा जो इसको खोल के आ रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं इसकी और इसकी यहाँ से वैल्यू पुट कर सकूँ। देखिए अब मैं क्या लिखूंगी, रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाय टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व माइनस क्यू
ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि अगर मैं एक बार यहाँ से लिख दूँ डी डब्ल्यू बाई डी जेड की, मेरे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी, क्यू स्क्वेयर ई की पावर माइनस टू आयोटा थीटा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी जेड की स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई, यानी कि इसको देखिए यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए मेरे पास बचा क्या, एक तो मेरे पास बचा जेड और मेरे पास ई की पावर आयोटा थीटा डी एस बच गया। ई की पावर आयोटा थीटा डी एस ये सारी के सारी किसकी वैल्यू है, आपने जस्ट प्रीवियस पार्ट के अंदर निकाली भी थी। देखिए ई की पावर आयोटा थीटा डी एस जो है हमारे पास डी जेड की वैल्यू आई थी, देखिए तो आपको यहाँ पर डी जेड से इसे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब आप वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने लिखा था कि टू प्रूफ के अंदर आपके पास यही था कि आपको m की वैल्यू को प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाई टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कर्व डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर जेड डी जेड के इक्वल। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो इजीली हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, स्टेप्स बेशक ये थ्योरम लंबी है, स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपने एक दो बार इसको सेल्फ ट्राई कर लिया तो आपको स्टेप बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं आपको देखना है मुझे टू प्रूफ क्या करना है। ठीक है, जब आपको पता लग जाएगा कि मुझे प्रूफ क्या करना है तो बस आपको उसके अंदर जिस जिस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है उन्हीं की वैल्यू निकाल दीजिए और लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बहुत ही इजी सी थ्योरम थी ये, मैं कहूँ तो इस पूरे के पूरे सेक्शन की सबसे इजी थ्योरम यही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज की वीडियो में यहीं तक। अब आपके पास नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर एक तो एग्जाम्पल्स आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपका जो सेक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपको मेरी वीडियोस के अंदर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।